मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में इवज चौराहे के पास दी फीस्ट हाउस कैफे की आड़ में हुक्का बार चल रहा था। सर्विलांस की टीम ने छापा मारकर भंडाफोड़ किया है। पुलिस यहां से मैनेजर सहित 18 लोगों को पकड़कर थाने लेकर आई है। मैनेजर और कैफे स्वामी के खिलाफ सिगरेट व तंबाकू वितरण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही 10 लोगों का चालान भी किया गया, 7 नाबालिगों को उनके स्वजनों को सौंपा है। कैफे से हुक्का और भारी मात्रा में तंबाकू के फ्लेवर भी बरामद हुए हैं। पुलिस की भूमिका पर भी जांच बैठा दी गई है। पकड़े गए 10 आरोपितों को थाने लाकर दफा 34 में चालान कर उन्हें थाने से छोड़ दिया। हुक्का बार के अंदर से पुलिस को हुक्के के फ्लेवर में तंबाकू, निकोटिन और ग्लिसरीन समेत कई चीजें मिली हैं। इनके पैकेट पर कैंसर के खतरे वाला फोटो भी छपा हुआ है। नियमों के मुताबिक तंबाकू वाले ऐसे उत्पाद नाबालिगों को नहीं बेचे जा सकते। इसके बावजूद कैफे के अंदर छात्रों और टीनेजर्स को ये फ्लेवर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। यहां तक कि हुक्का बार में भी नाबालिगों को प्रवेश दिया जा रहा था। बाकायदा 1,000 रुपये एक फ्लेवर के वसूले जाते थे, जबकि लड़की साथ ले जाने पर रकम दोगुनी यानी 2,000 हो जाती थी। बेगमपुल नौचंदी सदर बाजार, तेजगढ़ी इवज चौराहा सेंट्रल मार्केट और शास्त्री नगर समेत कई इलाकों को मिलाकर पूरे शहर में हुक्के का सेवन किया जाता है। इनमें से ज्यादातर जगहों पर तंबाकू वाला फ्लेवर ही इस्तेमाल हो रहा है।